वायलेंट साइकोटिक के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में, पुणे, मुंबई, नागपुर, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है, यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। ये जो पेशेंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक 35 साल का लड़का है। पिछले 4-5 साल से वो उसको पागलपन के झटके आते हैं, उसमें बहुत वायलेंट हो जाता है, वो काबू में नहीं आता। 4-4, 5-5 लोगों को पकड़ेगा, मारेगा, ठोकेगा, किसको, भाग जाएगा, जंगल में भागेगा, बेकाबू हो जाता है। उसको नागपुर के मेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ अभी तक 3-4 बार एडमिट किया है। वहाँ 1 महीना 2 महीना 3 महीने वहाँ रखते हैं, फिर बाद में वहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं। अभी हमारे पास में लाया कि भाई उसको वहाँ तक जाने के लिए भी उसको कंट्रोल मतलब नहीं हो रहा था वो, इसलिए हमारे पास में लाया। इतना वायलेंट है कि उन्होंने बांध के मतलब इतने कड़क बंदोबस्त में लाया उसको, लोग इतने डरे हुए थे जब आया तब कि भाई ये तो मार डालेगा, कि इसका खून कर डालेगा। वो बेगी बेगी बातें करते रहता है, कुछ भी बोलते रहता है, और मारना ठोकना लोगों को बेवजह, कोई कारण नहीं है, कोई कुछ भी बहकी बहकी बातें करना। तो ये बहुत ही एक्यूट साइकोटिक एपिसोड है, और ये जब इंटरमीडियंटली आता है तो ये अफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। अफेक्टिव डिसऑर्डर एपिसोडिक इलनेस, एपिसोडिक मेंटल इलनेस है, या फिर मैनिक इलनेस भी हो सकता है, या फिर स्किजोफ्रेनिक अटैक भी ऐसे आ सकते हैं, या फिर स्किजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर भी हो सकता है। मतलब ऐसे अलग अलग उसमें साइकोसिस के प्रकार है कि जिसमें वो इसकी बीमारी हो सकती है। अभी अब हमारे पास में जब लाया तो उसको हमने दवा दिया, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस दिया, तभी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और उसके साथ वाले जो लोग थे वो तो उसको चेन छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, बोले ये तो चेन छोड़ेंगे तो हम तो मर जाएंगे। अभी उसके साथ में लोग रहते हैं, उसकी माँ का इंटरव्यू देखो क्या बोलती है। तो डाल दिया तो मारने के आते आया था, तुम्हारा मर्डर ही कर डालता, बोले मैं एकदम से। हाँ। तो मेरे आदमी को मैंने बचाई, फिर उनके बाद में मेरे को मारने को आया एकदम से। तो मेरे आंख पे पत्थर बचाई मैंने, बहुत वार बचाया हमने उसके साथ में। हमारे जानों को डर है उससे ऐसा। ऐसा ये कब से हो रहा है उसको? ऐसा है, 6 साल हो गया कुछ कम उसको, ऐसा चालू से 2 गोली भी चालू थी उसकी, नागपुर की गोली बंद कर दिया उन्होंने। उसको नागपुर में कितने साल भर्ती किया था? 3 दफा करे उसको हमने, वहाँ से रिचार्ज हो गया वो। अभी क्या तकलीफ दे रहा? ये सब मारने ठोकने की, भाग रहा, कोई गुल दवा भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता। ऐसा है भाई उसका, एकदम परेशान, बहुत परेशान हो गए, हम घर में रह भी नहीं सकते। आपका कौन है? लड़का है ना मेरा, वो नाना है साथ में, उसके पिताजी है साथ में। ठीक है। देखो पेशेंट कैसा बांध के रखा हुआ है और वो कैसा भी रहता है। अभी 2 ही दिन हो गए यहाँ एडमिट करने को, तभी काफ़ी कंट्रोल में है। अभी इसको हमने शॉक ट्रीटमेंट चालू किया है, अभी शॉक्स दे रहे हैं उसको, इलेक्ट्रिक शॉक, ECT जो बोलते हैं, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। उसमें पेशेंट को कुछ भी तकलीफ होती नहीं है, पेशेंट को एनिस्थेशिया देते हैं, एनिस्थेशिया देने के बाद में वो सो जाता है, और उसके बाद में उसको इलेक्ट्रिक करंट उसके दिमाग में पास करते हैं जिससे वो अच्छा हो जाता है। तो उसको एक दिन ऐसे हम शॉक देंगे इलेक्ट्रिक करंट, और वो ठीक हो जाएगा। लोग तो अभी काफ़ी सारे मतलब ये ज्ञान लोगों को हुआ है कि नहीं, हम पागलपन है, मेंटल इलनेस है, नहीं तो ऐसे लोगों को तो देहातों में लोग बाहर का है करके कहीं बाबा महाराज के पास में ले जाते हैं, मंदिर मस्जिद में ले जाते हैं, या दरगे पे ले जाते हैं, उनका इलाज वहाँ करते हैं, बांध के रखते हैं। तो लोगों को ये वीडियो शेयर करो, लोगों को एजुकेट करो कि भाई ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसा कोई अंग में कोई भूत नहीं घुसा हुआ, और ये ठीक हो सकता है, दवाइयाँ अच्छी अच्छी निकली हुई है, और वो दवाई लेता है तो काफ़ी सारा फ़र्क उसको फ़ायदा हो जाएगा। आपको कोई संपर्क हमसे करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग करना है, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, हमारा सलाह ले सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और आपके ग्रुप्स में, फेसबुक के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप सभी ग्रुप में शेयर करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।